Welcome back once again, and we are solving 4.3 exercise, or we have completed 5 questions. Now question 6 is there. You can see the question on the screen. तो अगर हम क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे तो मैं सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज. आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख भी सकते हैं. तो लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, हमने क्या लिखा, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी. यामिनी का कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई दो लड़कियां हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, और कुछ यामिनी कंट्रीब्यूट करती है और दूसरी लड़की क्या है, फातिमा. और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, दो लड़की कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, तो हमने कंट्रीब्यूशन दोनों का मान लिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा. एक यामिनी है एक फातिमा है. हाँ, तो हम क्या मानते हैं, माना हमने यामिनी ने रुपीज एक्स क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, और फातिमा ने क्या किया है, रुपीज वाई कंट्रीब्यूट किया है. तो क्या बोला गया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है उनका, अगर देखा जाए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ें तो टोटल कंट्रीब्यूशन देखें, तो टोटल कंट्रीब्यूशन तो ₹100. तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंट्रीब्यूशन यामिनी का है, जो कंट्रीब्यूशन फातिमा का है, वाई फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, ये ₹100 है. लेकिन हमने माना है ये तो एक्स रुपीज है, ये वाई रुपीज है, तो ये ₹100 हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया. अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहां से देखेंगे, वाई को अगर हम वाई को ऐसे मान लेंगे, ग्राफ प्लॉट करें तो ये ऐसे आ जाएगा. एक्स को जब हमने क्या रखा, 0, तब वाई आ गया 100, देखो. और जो एक्स को रखा हमने 50, तो वाई भी आ गया हमारे पास 50, 100 माइनस 50 50. और जब हमने क्या जब हमने एक्स को रखा क्या 100, तो वाई आ गया 0. तो यहां से देखें, अगर टेबल ड्रॉ करें हम लोग, टेबल ड्रॉ करें ग्राफ के लिए, या कोऑर्डिनेट देख लें, कोऑर्डिनेट कौन से लाइन पे आएंगे, कोऑर्डिनेट एक तो हमें ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक हमको ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना पड़ेगा, और एक कोऑर्डिनेट हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो, मतलब अगर टेबल ड्रॉ करें तो टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं आप, टेबल ड्रॉ कर लेना. तो ये जो पॉइंट है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे. तो एक चीज देखो, अगर मैं 100 बनाऊंगा, 100 तो काफी दिक्कत हो जाएगी, 100 बनाऊंगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी. तो मैं डायरेक्ट अगर ग्राफ कैसे बना सकता हूं, मैंने क्या ले लिया, अगर ग्राफ पेपर बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, एक स्केल मान ली मैंने, क्या मान लिया मैंने कुछ उसकी स्केल मान ली. जैसे डायरेक्ट ये 50 है, इसको मान लिया 100, ये 50 है, इसको मान लिया 100. मैं 25 भी मान सकता था, ये 50 माना है मैंने, 25 कैसे, ये 25 होता, ये 25 होता, तो फिर ये 75 हो जाता, ये 75 हो जाता. अब देखो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी में थोड़ा बहुत नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन मैं इसलिए नेगेटिव प्लॉट नहीं कर रहा हूँ. तो पहला पॉइंट क्या है मेरा, जब एक्स 0 है तो वाई 100 है, तो यही पॉइंट है. जब वाई 100 है तो एक्स 0 है, एक्स 0 है तो वाई 100 है, दो ही पॉइंट हमारे ले, उससे हम लाइन बना लेंगे. तो हमने जब लाइन खींची, ये लाइन खींची, तो मैंने कहा, क्या बोला था, दो पॉइंट से लाइन बन जाती है, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर जाए, तो आप देखोगे तीसरा पॉइंट अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूं और यहां से परपेंडिकुलर खींचूं, तीसरा पॉइंट जो 50-50 है वो भी यहीं पे लाई कर रहा है, वो भी यहीं पे लाई करेगा. तो आप कैसे भी लाइन बना सकते हैं, तो इसका ग्राफ ये बनने वाला है, इसका ग्राफ ये बनने वाला है. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, सॉरी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया, हमने क्वेश्चन नंबर पहले क्या कर लिया,
ये सेवन कर लिया क्वेश्चन नंबर सेवन, हमको क्वेश्चन नंबर सिक्स भी करना है। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर सिक्स फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, कुछ वर्ड डन की बात हो रही है, कुछ वर्ड डन क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, कुछ वर्ड डन की बात हो रही है कि जो वर्ड डन है वो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का साइन कैसे होता है, हमने क्लास एट में पढ़ा है प्रोपोर्शन का साइन ये होता है, इसका मतलब क्या है और क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब अगर दो क्वांटिटी एक्स वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ, मतलब अगर एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई भी डिक्रीज करेगा, ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब। ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तो क्या लिखा है, अगर हमने मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है अगर एक्स है, हमने क्या मान लिया, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने मान लिया लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने क्या मान लिया एक्स किलोमीटर मान लिया, अच्छा और वर्क डन क्या मान लिया वाई, वर्क डन क्या मान लिया, वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है वाई यूनिट्स, वाई यूनिट। तो क्या बताया जा रहा है कि जो वर्क डन है, वर्क डन है क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, जो वर्क डन है, वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, ये बताया जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सही बात है, जितना डिस्टेंस ज्यादा चला जाएगा, आप देखो जितना ज्यादा डिस्टेंस चला जाएगा उतना ज्यादा काम होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा चलोगे उतना ही ज्यादा काम होगा, या आप जितना आराम करो, जितना कम डिस्टेंस जितना आराम करोगे उतना ही काम कम होगा, तो है इक्वेशन, तो वही चीज है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्क डन वाई है और ये एक्स है। अच्छा हमें कांस्टेंट मतलब एक ये है, अगर इसको हटाते हैं प्रोपोर्शन है अगर ये, तो हम अगर यहाँ पे कांस्टेंट ले लें कोई भी, मान लो के ले लें, के ले लें, तो ये इक्वेलिटी में बदली हो जाएगा, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर मैं इस साइन को हटाता हूँ, साइन और प्रोपोर्शनलिटी को, तो मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक एक कांस्टेंट लेना पड़ता है इसको हटाने के लिए, ये आप लोग याद रखो और बाद में आपको ये समझ में आने लगेगा। तो ये कांस्टेंट मैंने ऐसे इसको हटा दिया, तब ये दिया गया है कि कांस्टेंट कितना है, जो कांस्टेंट मतलब फोर्स ही है, क्या है फोर्स, ठीक कांस्टेंट फोर्स है ये, के है क्या, के हमारा कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। अच्छा अगर क्वेश्चन में दे रखा है के फाइव यूनिट है, के क्या है फाइव यूनिट है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई के इक्वल टू फाइव एक्स, इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे वही चीज, अगर मैं एक्स को जीरो रखता हूँ तो वाई की वैल्यू भी जीरो, अगर एक्स को वन रखता हूँ तो वाई की वैल्यू भी फाइव, और अगर एक्स को टू रखता हूँ तो वाई की वैल्यू टेन, दो इक्वेशन तो हमने ले ली है दो इक्वेशन। तो अगर मैं देखता हूँ, देखो क्या है, इसको मैं डालता हूँ, मैं अब दो वैल्यू से ग्राफ बनाता हूँ, तो एक पॉइंट अगर मैं बना टेबल बना लूँ, तो टेबल मेरी ये बनी है, टेबल मेरी ये बनी है, ये एक्स है ये वाई है, जीरो वन जीरो फाइव, सही है। तो अगर मैंने ये ग्राफ बना लिया वन टू थ्री फोर फाइव, अच्छा और क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव, क्या है जब एक्स जीरो है तब वाई वन है, जब एक्स जीरो है सॉरी जब एक्स जीरो है तो वाई वन है, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, यहां हमने पॉइंट गलत लिख लिया है, ठीक है जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है, सॉरी फॉर दैट, और जब ये वन है, मैं वही देख के काम कर रहा था, अच्छा तो क्या हुआ, सॉरी फॉर दैट, जब x जीरो है तो y भी जीरो है, जब x जीरो है तो y भी जीरो है, सिंपल ये पॉइंट मिल गया हमको,
जब एक्स वन है तो वाई फाइव है, जब एक्स वन है तो वाई फाइव है, ये पॉइंट मिल गया। क्यों? अब देखो परपेंडिकुलर हम लोग खींचते आ रहे हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। परपेंडिकुलर एक रेफरेंस का तरीका है, अब आप बिना परपेंडिकुलर लगाए लाइन डालना शुरू करो। तो बन से परपेंडिकुलर डालूंगा यहां पे आएगी, फाइव से डालूंगा यहां पे आएगी, ये पॉइंट मिल गया। कौन सा? ये वाला। अगर ये ए है, ये वाला बी है, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम ओ से लिख सकते हैं। तो अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर x 2 हो जाए, क्या कह रहा है? अगर x फोर्स क्या है, डिस्टेंस अगर ट्रेवल क्या किया जाए, 2 हो जाए, तो यही तो है। ऑल्सो रीड द ग्राफ, द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई यूनिट इज 2। अगर x को 2 रख दें, x को 2 रख दें तो इसका क्या मतलब हुआ? सॉल्व तो हम यहां कर लेंगे लेकिन हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली। तो x को हमने जब 2 रखा तो हम y कैसे निकालेंगे? x को 2 रखा तो देखो, जब x y कैसे निकालेंगे, x को 2 रख लिया, x को 2 रख लिया, यहां से y कुछ आएगी, हमको y कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर तो कटेगी नहीं, ऊपर ही कटेगी, हम ऊपर लेके जाएंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अच्छा, और ये लाइन, भी एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन यहां कटी, मान लो ये कहां कटी, ये लाइन पी पे कटी, और जब पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहां कटेगा कि नहीं कटेगा? यहां कटेगा। अब आओ भाई चीज देखो, हम लोग पैसे कैसे प्लॉट करते थे, एक्स एक्सिस से ड्रॉ करते थे, वाई एक्सिस से ड्रॉ करते थे, हमको पॉइंट पी मिल जाता था। परपेंडिकुलर तो अलग अलग हो नहीं सकते, तो बात तो यही हुई, चाहे हम पी से ड्रॉ करें चाहे यहां से ड्रॉ करें, तो इसका मतलब ये जहां पे कटेगी वही एक्सिस होगा। तो ये कहां कटेगी, ये ऑटोमेटिकली 10 पे कटेगी आगे, 10 पे कटेगी आगे, और ये आप अगर ग्राफ सही बनाओगे, ग्राफ के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के लिए, तो 10 पे कटेगी आगे। आप ये अपने कॉपी पे करके देख सकते हैं, और यहां से मैं दिखा दूं आपको, ये 10 ही आएगा। तो जो ये पॉइंट पी क्या हो गया, 210 पॉइंट हो गया। और जो ये मेरा फर्स्ट था, और जो सेकंड क्या दे रखा है, जब x 0 है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल 0 है, तो हमने निकाल रखा है y भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू कैन सी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन।